बहुत बार हमें ये सवाल आता है कि क्या मैं क्लिप ऑन लगा सकता हूँ, क्या मैं राइट कैंडिडेट हूँ। तो जब आपको ये सवाल आता है, कुछ पॉइंट्स आप याद रखिए। अगर आपको क्लिप ऑन कराना है तो क्लिप ऑन के लिए साइड्स और बैक पे बाल होने बहुत जरूरी है। अगर आपको बहुत ही डेंसिटी कम है साइड्स पे और बैक पे और बहुत पतले बाल है, देन मे बी आप राइट कैंडिडेट क्लिप ऑन के लिए नहीं हो। सेकेंडली, अगर आपको रोज सुबह पहनना है और रात को निकालना है, ये चीज से आप कंफर्टेबल हो तो ही आप क्लिप ऑन के लिए चूज करिए। क्लिप्स के फायदे और नुकसान। क्लिप्स में फायदे ये है कि इसमें आपको आपके बाल शेव नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा फायदा ये है क्लिप ऑन में कि आपको कोई मेंटेनेंस नहीं है, आपको कोई मंथली खर्चा नहीं है कि आपको सैलून जाना है और आपको वो टेप लगाना है या ग्लू लगाना है, तो ये सब मेंटेनेंस फ्री हो जाता है। आपको सिर्फ घर में शैम्पू और कंडीशनर करना है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम आपको वीडियोस भेजेंगे जहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कैसे इसको वॉश और कंडीशन करना है। ऑफकोर्स ये डेलिकेट मटेरियल के रहते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से इसे करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेंटेनेंस फ्री है। सेकेंड पॉइंट ये है, आपको शेव करना नहीं पड़ेगा, आपको कोई सैलून जाना नहीं पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। और एक एक्सीलेंट ऑप्शन है जिनके बाल गिरना शुरू हुए, इनके लिए क्लिप ऑन बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि शुरुआत में बाल गिरना थोड़े चालू होते हैं, वो पूरे गंजे नहीं होते। ऐसे केसेस में क्लिप ऑन वर्क्स एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि ये आपका जो वॉल्यूम चले गया है वो आपको वॉल्यूम वापस दे देगा। तो इस दौरान जैसे आपके बाल गिर रहे हैं, आपको एक थोड़ा कंफर्ट मिल जाएगा, आपको वो जो वॉल्यूम चाहिए था वो आ जाएगा। क्लिप ऑन के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो है कि अगर आप बहुत स्विमिंग करते हो, रेगुलर बेसिस पे स्विमिंग करते हो, और तो फिर आपको शायद ये ऑप्शन ही आपको स्टिकिंग का ऑप्शन कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्विमिंग करते वक्त वो निकालना होता है। और लेकिन ऑफकोर्स आप स्विमिंग का पहन सकते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बार हमें ये सवाल आता है कि क्लिप ऑन पैचेस कितने टाइम तक टिकता है। यूजली क्लिप ऑन जो हेयर पैचेस रहते हैं इनका लाइफ इसके लिए बढ़ जाता है, क्योंकि इनका वेयर एंड टेयर बहुत कम होता है, स्टिकिंग नहीं होता है। तो अंदाज से 8 से 12 महीने ये टिकता है। तकलीफ ये हो जाती है, हर बार हम जब वॉश करते हैं तो उसका डेंसिटी धीरे 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 कम होने लगता है। आप समझे कि आपके हर हेयर सिस्टम में समझो हमने 50,000 बार ग्राफ्टिंग डाले हुए हैं, तो वो शायद 45,000 होंगे, 4 महीने बाद शायद 40 होंगे, 6 महीने बाद शायद 30,000 होंगे। ऐसे करके डेंसिटी कम होते जाता है और शायद 1 साल बाद आपको चेंज करना पड़ता है। लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनके केसेस में ये 1 साल से ज़्यादा भी चलता है। क्लिप्स लगाएंगे तो क्या हमारे एग्जिस्टिंग बाल गिर जाएंगे, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ नुकसान देगा अपने नेचुरल बालों को? क्लिप्स सबसे सेफ मेथड है एप्लीकेशन का। इसमें ना ही आपके बाल गिरेंगे, साइड के बाल बहुत मजबूत होते हैं तो ये बाल गिरेंगे नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ क्लिप में। बाल जो एग्जिस्टिंग बाल है वो भी शेव नहीं हो रहा है या इस पर कोई टेप नहीं लग रहा है, तो ये कम्प्लीटली नेचुरल रहेंगे, जैसे उगते वैसे ही रहेंगे। तो क्लिप सबसे सेफेस्ट मेथड है, कोई तकलीफ ही नहीं है इसमें, आप आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से डाल सकते हो, आपका कोई भी एग्जिस्टिंग बाल पे नुकसान जरा भी नहीं। क्या मेरे को क्लिप ऑन में नेचुरल हेयरलाइन आएगा? अगर आपके एग्जिस्टिंग बाल फ्रंट में है तो आपका नेचुरल हेयरलाइन बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके आगे बाल नहीं है तो शायद वो मेथड जैसे मैंने आपको बताया वो आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें साइड पे क्लिप्स लगे और आगे आपको टेप लगाना पड़ेगा, इससे काफी नेचुरल हेयरलाइन आ जाएगा। क्या हम इसमें नहा सकते हैं? नहीं, हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप क्लिप ऑन पहन के नहाइए। बेटर यही है कि आप क्लिप्स निकालिए, हेयर सिस्टम अलग से रखिए, शैम्पू करिए, नेचुरल ड्राई करिए ड्रायर के साथ और फिर उसे लगा दीजिए। तो ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है। ये आपको जब क्लिप ऑन है तो आपको वो सुविधा है कि आप निकाल के वॉश करके वापस पहन सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप नहाते वक्त सोते वक्त ये जरूर निकालिए। हमें ये भी सवाल आता है क्या हम ये पहनकर सो सकते हैं? सो ऑफकोर्स सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि जब सोना है तो वो पूरा निकाल के फ्री होके आप अगर सोएंगे तो बेटर होगा। हाँ, अगर आप हॉलीडेज पे हो या अगर आपको
आप दो चार दिन अगर आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ हॉलीडे पे गए हो तो वो बात और है। इसमें आप दो तीन दिन मैनेज कर सकते हो, आप क्लिप ऑन पहन के ही सो सकते हो ताकि किसी को पता नहीं चले, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको ये नहीं करना चाहिए। क्या मैं वर्कआउट कर सकता हूँ? क्लिप ऑन में ऑफकोर्स आप वर्कआउट कर सकते हो कि हमारे जो बेसिस रहते हैं वो ब्रीदेबल रहते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप निकाल के कैप पहन के वर्कआउट करोगे तो वो बेटर रहेगा, आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि मैं क्या वर्कआउट कर सकता हूँ हेयर सिस्टम के साथ, ऑफकोर्स ये ब्रीदेबल होते हैं तो इसमें से स्वेट भी निकलता है, कोई इश्यू नहीं। बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं जो जिनका रोज बाइक पे आना जाना होता है, ट्रेन में आना जाना होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये पहनने के बाद निकल तो नहीं जाएगा? नहीं, ये जरा भी नहीं निकलता। इसके क्लिप बहुत ज्यादा सिक्योर रहते हैं, आप अगर खींचेंगे तो बाल निकल जाएंगे लेकिन वो पीस नहीं निकलेगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। उसमें वो पूरा सिक्योर रहेगा और नहीं निकलेगा। हाँ, आपको सिर्फ इनिशियली प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे लगाना है। हम आपको वीडियोस भेजेंगे जिसमें आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कैसे लगाना है। जो भी हमारे क्लिप-ऑन क्लाइंट्स हैं वो सब खुद ही लगाते हैं, जरा भी मुश्किल का काम नहीं है। आप 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे आप खुद ही आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत का काम नहीं। और एक सवाल ये है कि क्या जो बाइक चलाते हैं क्या मैं हेलमेट पहन सकता हूँ इसके ऊपर, क्या दिक्कतें आ सकती है? ऑफकोर्स आप इसमें हेलमेट पहन सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ तकलीफ ये है कि उसको आपने जो स्टाइलिंग किया रहता है वो जैसे नेचुरल वालों पे अगर हेलमेट पहनते हैं और वो फ्लैट हो जाता है, सिमिलरली इसमें भी अगर आप बाइक ये हेयर सिस्टम पहनोगे और उसके ऊपर हेलमेट पहनोगे तो बाल फ्लैट हो जाएंगे। तो आपको हेलमेट निकालने का थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा वॉल्यूम आ जाए, थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा, बस इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि हेयर सिस्टम पहन के आपका आत्मविश्वास बढ़े। और अगर आपके इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें आइडिया आएगा कि आपको और कैसे किस तरह के वीडियो देखने हैं। और अगर आपको पर्सनली वीडियो कंसल्टेशन करना है तो प्लीज कॉल ऑन 9222666111। इस पे हमारे एग्जीक्यूटिव आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे क्या आपके लिए सही है, गलत है, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर इंसान हेयर सिस्टम नहीं पहनना चाहिए, एवरी पर्सन इज नॉट द राइट कैंडिडेट। ये जानने के लिए आप प्लीज फोन करिए हमारे एग्जीक्यूटिव्स को, वो आपको हेल्प करेंगे और आपको राइट हेयर सिस्टम चूज करने में मदद करेंगे। इसके अलावा भी आपको सवाल होंगे तो प्लीज कॉन्टैक्ट आवर एग्जीक्यूटिव्स। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अमेरिकन हेयरलाइन। थैंक यू।